31 सूत्री मांग पर एनके प्रबंधन और रैयत विस्थापित मोर्चा एनके एरिया की बैठक टकरा वीआईपी सभागार में हुई। बैठक में प्रबंधन के द्वारा 31 सूत्री मांग पर चर्चा की गई, जिसमें कई मांगों को प्रबंधन ने क्षेत्रीय स्तर पर सुलझाने और कई मांगों को मुख्यालय स्तर पर भेजकर समाधान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान रोजगार, पुनर्वास, मुआवजा समेत कई मुद्दों पर बैठक के दौरान गहमा गहमी भी देखी गई। बैठक में रैयत विस्थापित मोर्चा की ओर से जिला परिषद सदस्य नेहा उराव, केंद्रीय उपाध्यक्ष इकबाल हुसैन, केंद्रीय सदस्य रंथू उराव, एरिया अध्यक्ष बिगन सिंह भोक्ता, जालिम सिंह, नरेश गंजू, रामलखन गंजू, अमृत भोक्ता, विनय खलको, मुखिया पुतुल देवी, मुखिया तेजी किसपोटा समेत सभी शाखाओं के मोर्चा के पदाधिकारी उपस्थित थे, जबकि प्रबंधन की ओर से महाप्रबंधक संजय कुमार, पूर्णाडी परियोजना पदाधिकारी, केडीएच परियोजना पदाधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद। विस्थापित मोर्चा एनके क्षेत्र के साथ एनके प्रबंधन के यहां पर एनके क्षेत्र का ऑफिसर्स क्लब में मीटिंग हुई। 31 सूत्री मांग को लेकर सभी मांगों को हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है। चार पांच मांगे ऐसी थी जो कि हेडक्वार्टर रेफर करने लायक थी, वो पॉलिसी डिसीजन को लेकर है, जिसमें कि एरिया उसको डिसाइड करने में अक्षम है, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि उसको हेडक्वार्टर रेफर करेंगे, जिसमें कि एक दो मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कि यदि जो जमीन यूटिलाइज नहीं हो रहा है उसको रैयत को लौटा दिया जाए, जबकि उसका मुआवजा नौकरी पेमेंट हो चुका, तो ऐसे ये क्रिटिकल मुद्दे हैं। इस तरह के मुद्दे को हेडक्वार्टर रेफर करने की बात हुई, और भी सेंट्रल स्कूल खोलने की चर्चा हुई, आईटीआई संस्थान खोलने की चर्चा हुई, ये भी पहले से ही ये मुद्दा हेडक्वार्टर रेफर किया हुआ है, तो फिर से उसको स्ट्रेस डालने के लिए हम लोग फिर से लेटर लिखेंगे। और बाकी मुद्दे जो इनके क्षेत्र से रिलेटेड थे रैयतों के, जिसमें कि रैयतों का, विस्थापितों का विकास का है, आरआर साइट का डेवलपमेंट का है, नौकरी और मुआवजा पेमेंट का है, शिक्षा से रिलेटेड है, सीएसआर का कामों को लेकर है, ये सभी पर विस्तृत चर्चा हुई है। और जितना भी संभव हो सके हम लोग पॉजिटिव वे में लेते हुए, चूँकि अभी हमारा क्षेत्र काफ़ी पीछे चल रहा है जमीन के मामले में, जमीन लेना रैयतों से और उनको हेल्प करना अभी सबसे बड़ा मुद्दा है, तो हमने अनुरोध भी किया है रैयत विस्थापित मोर्चा से कि इसमें सहयोग कीजिए ताकि परियोजना आगे विस्तृत रूप से चले। केडीएच भी एक तरह की ऐसी परियोजना है जो आकर रुकी हुई है, तो हम लोगों ने उनका जो दुलार गंजू है, बैजनाथ गंजू का समस्या है कि अलग से बैठक करने का एक विचार रखा है ताकि उसका समाधान निकल सके, उसका भूमि के अगेंस्ट में कॉम्पनसेशन मिल सके, नौकरी तो मिला ही है और वो फर्दर नौकरी के लिए अप्लाई कर सके और हमारा जगह मिल जाए। इसी तरह जामुन दोहर बस्ती का विस्थापन का समस्या है और विश्रामपुर का विस्थापन का समस्या है, जो कि विस्तृत रूप से फायर के कारण भी ग्रसित है, तो डीसी ऑफिस से भी लेटर आया हुआ है कि हम लोग डीसी साहब उनको 3 डिसमिल जमीन कहीं पर देंगे सीओ के द्वारा, ताकि जेली टार वाले को स्थापन किया जा सके और हमारे आरआर पॉलिसी के तहत उसको जो भी मुआवजा है वो हम लोग देने के लिए एग्री हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और भी पुराने मुद्दे हैं जो उनके पीछे, और 17 घर का पैसा पेमेंट नहीं हुआ है, तो हम लोग दुलार गंजू और बैजनाथ गंजू का समस्या दूर हो जाएगा, तो उसका हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। कुछ लोगों का नौकरी मिल चुका है जो रेगुलराइजेशन नहीं हुआ है, तो वो रेगुलराइजेशन करने के लिए हम लोग मांगे हैं कि कौन कौन ऐसे लोग छूटे हुए हैं, तो उसको कानून के तहत अपना
देखते हुए हम लोग उसको रेगुलराइज करेंगे और आने वाले दिनों में, क्योंकि रैयत विस्थापित मोर्चा एक संदेश दिया है कि हम आपके साथ हैं, तो हम लोग भी बहुत खुश हैं कि हम लोग अलग से फिर बैठक करेंगे रेगुलर रूप में और इनका एक कमिटी, आरआर कमिटी बनाने का चर्चा हुआ, जो एरिया लेवल पर भी कमिटी बनेगा और यूनिट लेवल पर भी कमिटी बनेगा। मंथली हम लोग बैठक करेंगे और जो भी वेलफेयर और जो भी कमिटी है और इनकी अपनी कमिटी है, उसमें हम लोग विस्थापन से रिलेटेड, ज़मीन नौकरी से रिलेटेड ये सब उनके पास रेफर करने, उनसे डिस्कस करने की भी चर्चा की गई, जिसको कि हम लोगों ने सहमति दिया। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक साथ हम लोग बैठकर यदि समस्या को निदान कर सकते हैं तो आसान होती है और इनके क्षेत्र में जो भी प्रोजेक्ट है उसको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आने वाले दिनों में नए प्रोजेक्ट भी यहाँ आने वाले हैं, रोनी करकट्टा, जिसका कि काफ़ी तेज़ी से उसका चल रहा है ऑथेंटिकेशन वर्क, और आने वाले दिनों में रोनी जो बंद होने का है अभी रनिंग प्रोजेक्ट, उसके जगह हम लोग नया प्रोजेक्ट 16 हेक्टेयर लैंड का लेने वाले हैं, जिसमें उन लोगों का रियती ज़मीन है उसका मुआवजा हो चुका है, नौकरी भी बहुत का हुआ है, तो हम लोग उस प्रयास में लगे हैं ताकि सभी प्रोजेक्ट कम से कम चलता रहे। और जैसे ही KDH का फॉरेस्ट्री क्लियरेंस होगा और जामुन दोहार और जेली टावर और विश्रामपुर का समस्या दूर होगा, ये प्रोजेक्ट बहुत बहुत बड़ी प्रोजेक्ट के रूप में परिणत हो जाएगी। इसी तरह पूर्णाडी का भी वही है, हम लोग RR साइट का अप्रूवल कर दिए हैं, हेडक्वार्टर से इसका हो चुका है, RR साइट का टेंडर भी होने वाला है जो बागी टोकरी में है। यहाँ पर 3 गांव का शिफ्टिंग होगा, जिसमें कि जामडी है, कुसुम टोला है, सॉरी जामडी नहीं है, मजडिया है, कुसुम टोला है, ये सब क्षेत्र का वहाँ आदमी जाएंगे। साथ में भवन निर्माण भी है सरकार के द्वारा, जो शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य का भवन, आंगनबाड़ी, ये सब का निर्माण वहाँ करवाएंगे और सारी RR साइट की जितनी भी 9-10 सुविधाएँ हैं, सभी सुविधाएँ देकर हम लोग उस RR साइट को एक अच्छे तरह से डेवलप करें। इसकी चर्चा हुई, धन्यवाद।